मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज संदीप अत्री, जेपी इंस्टीट्यूट नानुन के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। बच्चों, मैं आपके लिए आज टॉपिक लेकर आया हूँ स्क्वायर रूट वर्गमूल का। वर्गमूल का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि एक से लेके दस तक वर्ग आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, और पिछले टॉपिक में आपको हिदायत भी दी थी कि 30 तक कर लोगे तो दी बेस्ट है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपने एक से लेके 10 तक तो बिल्कुल कंपलसरी है बच्चों। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, यहाँ पे ये वाले अंक अलग से छांट लो भाई, यहाँ पे ये वाले अंक अलग से छांट लो। 5 का वर्ग में इकाई का अंक 5-6 आओगा, और 10 में 0 आती है बच्चों, 10 में 0 आती है, तो 10 का वर्ग में 10 का वर्ग कितना हो जाए 100, 100 में हमारी क्या होगी 0, यानी कि यहाँ पे 0 है तो उसका इकाई का अंक भी क्या होगा 0, इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। उसके बाद देखो बच्चों, जो अपने पूर्ण वर्ग अंक हैं, जैसे 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, ये पेयर बनाए हैं। इकाई का अंक 1 आने की, इकाई का अंक 1 आने की 2 संभावना है, इकाई का अंक 1 आने की 2 संभावना है, या तो 1 का वर्ग हो सकता है या फिर वो 9 का वर्ग हो सकता है। इकाई का अंक 1 आने की संभावना 2 है बच्चों, या तो वो 1 का वर्ग में 1 आ सकता है इकाई का अंक, या फिर आपका 9 का वर्ग में 1 आ सकता है इकाई का अंक, ठीक है। यानी इकाई का अंक 1 आने की 2 संभावना है, 1 और 9, ध्यान दो बच्चों। अगर एक अंक का भी पता चल जाए, अपना पता भी 1 का वर्ग 1 हो है, तो दूसरा अंक क्या हो जाएगा 9, ठीक है, दूसरा अंक क्या हो जाएगा 9। इन दोनों का जोड़ कितना है 10, दोनों का जोड़ कितना है 10, तो जो पेयर बनाओगे ना उन सभी का जोड़ 10 रहेगा। अब जैसे इकाई का अंक आ गया 4, इकाई का अंक 4 आने का क्या रीजन रहेगा, या तो इकाई का अंक 2 होगा, या तो इकाई का अंक 2 होगा, या फिर आपका 8 होगा, या तो इकाई का अंक 2 होगा या फिर आपका 8 होगा। अगर एक अंक का पता चल जाओ या अपन पता चल गया 2 का वर्ग 4 होया करे, तो बाकी तो 10 में तो 2 घटा लो, दूसरा अंक तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इकाई का अंक 9, इकाई का अंक 9 कब आओगा, जब 3 का वर्ग ग्रहण है, 3 का वर्ग 9 हो गया, और 10 में तो 3 गए 7, इकाई का अंक 6, 6 आने की संभावना क्या होगी, या तो 4 होगा या फिर आपका 6 होगा, या तो आपका 4 होगा या फिर आपका 6 होगा। तो इस तरीके से इस पर थोड़ा सा नजर दौड़ा लो भाई, ठीक है। उसके बाद देखो, जिस संख्या का इकाई का अंक, जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8, जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है, वो संख्या कभी भी आपकी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, वो संख्या कभी भी आपकी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए इन अंकों को तो ऐसे ही रिजेक्ट कर देना, ठीक है। अब देखो बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्ग मूल हम किस तरीके से निकालेंगे। तो पहला देखो भाई, सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं आप 324 का। वर्ग मूल के अंदर है ना, वर्ग मूल के अंदर बच्चों 2 का पेयर बनाया करें, वर्ग मूल के अंदर बच्चों 2 का पेयर बनाया करें, ठीक है। 2 अंकों का पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया। अब इसमें देखो इकाई का अंक क्या रहा भाई आपका 4 आ रहा है, इकाई का अंक क्या रहा है 4, और 4 आने का रीजन क्या बताया था बच्चों, या तो आपका 2 होगा और आपका क्या होगा 8 होगा, या तो हमारा 2 होगा या फिर हमारा 8 होगा, बात समझ में आई है। यहाँ पे देखो एक स्टेप तो ये हो गया भाई, अगर इकाई का अंक 4 है, अगर इकाई का अंक 4 है या तो 2 होगा या फिर आपका 8 होगा। दूसरा स्टेप देखो बच्चों क्या करना है, यहाँ पे अपन एक ईसा अंक रखना है, यहाँ पे अपन एक ईसा अंक ढूंढना है, ऐसा अंक फाइंड आउट करना है भाई जो हमारा 3, जिसका वर्ग, यहाँ पे अपन एक ऐसा अंक लेके आना है जिसका वर्ग 3 से कम हो, जिसका वर्ग 3 से कम हो। चलो बच्चों 1 का वर्ग ले, 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग तो 1 हो गया लेकिन 2 का वर्ग कितना हो गया 4, लेकिन 4 तो 3 से बड़ा है, 4 तो 3 से बड़ा है। बोला क्या था बच्चों कि अपन ऐसा अंक ढूंढना है, अपन ऐसा अंक ढूंढना है जिसका वर्ग 3 से छोटा हो, तो वो हमारा क्या होगा बच्चों 1। तो दोनों के आगे 1 लगा दो, दोनों के आगे 1 लगा दो। ये 3 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ध्यान देना।
पहला तो हमारा क्या बच्चों इकाई का अंक देखना है। पहला काम हमारा क्या है इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक हमारे पास चार है, चार आने के दो रीजन है, या तो दो होगा या फिर आपका आठ होगा। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों, दूसरा स्टेप है भाई इससे छोटी ऐसा अंक ढूंढना है जिसका वर्ग इस तीन से छोटा हो जाए। वो अपन ढूंढ लिया एक हो गया, ठीक है। दो स्टेप कंप्लीट हुए, तीसरा स्टेप देखो। अब यहाँ पे जो अंक आया था, यहाँ पे अपन जो अंक ढूंढा उस अंक की गुणा, एक ढूंढ लिया था अपन, एक की गुणा उसे अगले अंक के साथ करनी है। दो एक की गुणा किसके साथ करोगे बच्चे, उससे आगे वाले अंक के साथ करोगे। अब ये टोटल कितना आ गया दो, ये कितना आ गया दो। अगर दो से तीन बड़ा है तो आंसर भी आपका बड़े वाला हो जाओगा। अगर दो से तीन बड़ा है तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों, बड़े वाला हो जाओगा, ठीक है। उसका थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो लेकिन दो चार उदाहरण ले लोगे क्लियर हो जाओगा, टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे देखो भाई दोया का जोड़ा बनाया करे, वर्गमूल में वर्गमूल जोड़ा दोया का बनाया करे, तो अपन करना क्या है तीन, नौ आ गया बच्चों। यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया नौ आ गया। नौ का नौ आने का रीजन क्या होगा आपका, या तो तीन आओगा बच्चों या फिर आपका सात आओगा, या तो हमारा तीन आओगा या फिर हमारा सात आओगा, ठीक है। अब क्या बता था, यहाँ पे जो अंक लेके आना है, यहाँ पे जो अंक लेके आना है उसका वर्ग, उस अंक का वर्ग किससे पांच से छोटा होना चाहिए। उस यहाँ पे ऐसा अंक लेके आना है जिसका वर्ग पांच से छोटा होना चाहिए। दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग नौ, नौ तो बच्चों पांच से बड़ा हो गया, तो यहाँ पे अपन क्या लेना है दो, यहाँ पे क्या लेना है बच्चों दो, दोनों जगह दो लगा लो, या तो आपका आंसर 23 होगा या फिर आपका क्या होगा 27। दो स्टेप कंप्लीट हो, तीसरा स्टेप में करना है यहाँ पर ने, यहाँ पे जो आपको अंक लिया था जैसे दो लिया था, दो की गुणा किसके साथ करनी बच्चों, उससे आगे वाले अंक के साथ। दो की गुणा किसके साथ करोगे, उससे अगले अंक के साथ करोगे। तो यहाँ पे कितना आ गया छह, छह तो पांच छोटा है, छह तो पांच छोटा है, इसलिए आपका आंसर भी क्या होगा बच्चों छोटे वाला हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों छोटे वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आपका, यहाँ पे दो का पेयर बनाया, इकाई का अंक आ गया बच्चों एक, एक आने का रीजन क्या बताया था, या तो एक होगा या फिर आपका नौ होगा, या तो एक होगा या फिर आपका नौ होगा। उसके बाद यहाँ पे अपन एक ऐसा अंक लेना है जिसका वर्ग, यहाँ पे एक ऐसा अंक लेना है जिसका वर्ग आठ से छोटा हो। दो का वर्ग चार हो गया, तीन का वर्ग नौ हो गया, तीन का वर्ग नौ तो बड़ा हो गया, तो यहाँ पे अपन क्या लेना था भाई दो, यहाँ पे अपन क्या लेना था दो। अब क्या था, यहाँ से दो तो आ गया, दो की गुणा किससे करोगे तीन के साथ, दो की गुणा किसके साथ करनी बच्चों तीन के साथ करनी है। अब यहाँ से देखो दो की तीन के साथ गुणा करोगे छह, छह तो आठ बड़ा है, तो आंसर भी आपका अगर इस संख्या से ये वाली संख्या आपकी बिग है बड़ा है, ठीक है भाई, तो आपका आंसर भी कौन सा होगा इन दोनों में से बड़े वाला हो जाएगा, आंसर भी क्या होगा आपका बड़े वाला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो बच्चों ये आ गया आपका, यहाँ भी का एक अंक क्या है आपका एक, एक आने का रीजन क्या बताया था, या तो एक होगा या फिर आपका नौ होगा। यहाँ पे आपने ऐसा अंक लेना है जिसका वर्ग नौ से छोटा या बराबर भी ले सका, इसलिए स्पेशल एग्जाम्पल लिया, ध्यान देना, जिसका वर्ग 9 से छोटा या 9 के बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे 3 का वर्ग 9 हो गया बच्चों, तो यहाँ पे आप केले वांगे 3, यहाँ पे भी केले वांगे 3, या तो आपका आंसर 31 होगा या फिर आपका 39 होगा। उसका जजमेंट कैसे करोगे, जो आपका दाही का अंक आया है, जो आपका दाही का अंक आया, दाही का अंक क्या था बच्चों 3 था, 3 की गुणा किसके साथ करोगे उससे आगे वाले अंक के साथ, 3 की गुणा किसके साथ करोगे उससे आगे वाले अंक के साथ करोगे। अब तीन की गुणा चार के साथ करें 12, 12 से 9 छोटा है, 12 से 9 छोटा है, तो आपका आंसर भी हमारा इसको छोड़ देना छोटे वाला होगा भाई, ठीक है। आपका जो आंसर होगा वो भी हमारा स्मॉल छोटे वाला होगा, यानी फाइनल आंसर आपका क्या आ गया बच्चों 31, फाइनल आंसर आपका क्या आ गया बच्चों 31, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे ये ले लिया, ये तो थे बच्चे आपके तीन अंकों वाली संख्या थी, अब चार अंकों वाला चला, हाँ चार अंक का आपका क्या भंडारा होगा, जैसे अपन क्या ले लिया
96, जैसे कि अपन क्या ले लिया 96 ले लिया बच्चों, 96 में हमारा 6 आ गया, 6 आने का रीजन दो थे, या तो आपका 4 होगा या फिर आपका 6 होगा, या तो बच्चों 4 होगा या फिर आपका 6 होगा। अब यहां से क्या बताया था, ऐसा अंक ढूंढना है जिसका वर्ग 12 से छोटा हो, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 तो बड़ा हो गया बच्चों, तो अपन क्या लेना पड़ेगा 3 का वर्ग 9, यहां पे अपना कौन सा अंक आ जाएगा 3, यहां पे हमारा कौन सा अंक आ गया बच्चों 3 आ गया, ठीक है। अब ये पहला स्टेप तो क्या था, इकाई के अंक सेट करना, पहला स्टेप क्या था इकाई के अंक सेट करना, दूसरा स्टेप क्या था ऐसा अंक ढूंढना जिसका वर्ग 12 से छोटा हो, ऐसा अंक ढूंढना जिसका वर्ग 12 से छोटा हो, दो स्टेप पूरे हो गए। तीसरा स्टेप में क्या करना था, जो भी आपका दाहिक अंक आ गया, जो भी आपका दाहिक अंक आ गया उसकी गुणा, उसकी गुणा उससे आगे वाले अंक के साथ करनी है, उसकी गुणा उससे आगे वाले अंक के साथ करनी है, इसलिए 3 चौके 12 कितना आ गया बच्चों 3 चौके 12, तो 12 12 के बराबर है, ध्यान रखना, या तो इसके बराबर आ जाओ, ये होगा 3 चौके 12, 12 12 के बराबर आ गया, तो बराबर आ गया तो भी आपने बड़े वाला लेना है, तो भी आपने क्या लेना बच्चों बड़े वाला लेना है, राइट। या तो यह संख्या, या तो यह संख्या इससे बड़ी हो जाती या फिर बराबर हो जाओ, तो आपने बड़े वाला लेना है। अगर ये वाली संख्या हमारी स्मॉल हो जाती भाई, ये वाली संख्या हमारी छोटी रह जाती, फिर आपका आंसर कौन सा लेना बच्चों छोटे वाला, बराबर आ जाओ या फिर बड़ा हो जाओ, या तो बराबर आ जाओ या फिर बड़ा हो जाओ, उस केस में अपना आंसर कौन सा वाला लेना बच्चों बड़े वाला लेना, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जैसे ये ले लिया सिंपल सा फंडा है अपना, तो क्या दो अंक का दो अंक का जोड़ा बनाओ, इकाई अंक क्या है 4, इकाई अंक क्या है 4, 4 आने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो आपका 2 होगा और आपका 8 हो जाएगा, या तो आपका 2 होगा या फिर आपका 8 होगा, एक स्टेप कंप्लीट होया। दूसरा स्टेप क्या था बच्चों, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 तो ज्यादा होगा, तो यहां पे क्या लोगे 4 ले लिया, या तो आंसर आपका 42 होगा या फिर आपका 48 होगा। यहां पे करना क्या है, जो आपका दाहिक अंक आया था उसकी गुणा उससे आगे वाले अंक के साथ कर लो, जो भी आपका दाहिक अंक आया था उसकी गुणा उससे आगे वाले अंक के साथ कर लो, 4 पंजा 20, 20 से 23 बड़ा है, इस 20 से 23 बड़ा है, तो आंसर भी हमारा कौन से वाला होगा बच्चों बिग बड़े वाला होगा, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 48। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, यहां पे इकाई अंक क्या है 9, 9 आने का रीजन या तो 3 होगा या फिर आपका 7 होगा, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या का अंक, 9 का 81 हो गया, 10 का हो गया 100, 9 का हो गया 81, 10 का हो गया 100, 100 तो बड़ा हो गया, या तो आपका 93 होगा या फिर आपका 97 होगा। यहां पे करना क्या है, जो भी आपका दाहिक अंक आ गया, दाहिक अंक को उससे अगले अंक के साथ गुणा करो, कितना आ गया बच्चे ये 90 आ गया, 90 से 94 बड़ा है, 90 से 94 बड़ा है, तो आपका आंसर भी कौन सा होगा बच्चों बड़े वाला होगा, तो आपका आंसर क्या होगा 97, आपका आंसर क्या होगा बच्चों 97। यूं इसमें देखो दो का पेयर बनाओगे, इकाई अंक क्या है बच्चों 9, इकाई अंक 9 है, या तो आपका आंसर में 3 आना है या फिर इकाई अंक 7 आना है। यहां पे देखो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो इससे देखो बच्चों 8 का वर्ग 64 हो गया, 9 का 81 तो बड़ा हो गया, 8 का वर्ग 64 हो गया है ना, 8 का वर्ग 64 हो गया, 9 का 81 तो 75 से बड़ा हो गया, तो यहां पे अपन क्या रखना है 8 रखना है। अब क्या करोगे 8 की गुणा दाहिक अंक की गुणा उससे अगले अंक के साथ करो, 8 में 72, 72 से 75 बड़ा है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बड़े वाला हो जाएगा भाई, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों बड़े वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार रफ कर देना, उसके बाद और भी कुछ एग्जांपल लेवांगे।
नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों, आपको पांच अंकों की संख्या है, पांच अंकों की संख्या में भी आपने क्या करना है, आपको लास्ट वाले का दोहरा पेयर बना लो, इकाई का अंक एक आ गया, या तो हमारा एक होगा या फिर आपका नौ होगा, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। दस का सौ हो गया, ग्यारह का 121, 121 तो 118 से ज्यादा हो गए, कौन सा लेना बच्चों, अपन छोटा वाला लेना है, ठीक है, छोटा वाली संख्या क्या होगी, 10, या तो आपका आंसर 101 होगा या फिर 109 होगा। यहाँ पे दाई का अंक देखो, दाई के अंक की जगह 10 आ गया, 10 की गुणा किसके साथ करोगे बच्चों, 11 के साथ, ये कितना हो गया आपका 110, 110 से 118 बड़ा है, 110 से 118 बड़ा है, इसलिए आपका आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा बड़े वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, जैसे ये ले लिया आपने, ये वाला ले लिया, इकाई का अंक देखो इसमें कितना, 6, 6 आने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो आपका 4 होगा या फिर आपका 6 होगा, 112 से, 112 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखो। अब जैसे मान के चलो बच्चों, 10 का वर्ग ले लिया मैंने, 10 का हो गया 100, 11 का हो गया 121, ज्यादा हो गया 11 का, तो यहाँ पे आपका अंक लेना है 10 आ गया, या तो 104 आ जाओगे, 106, दोनों मत एक डिसाइड करना है। तो यहाँ पे क्या बताया था, जो दाई का अंक आ जाए उसको उसके अगले अंक के साथ गुणा करके देख लो, यहाँ पे 10 की गुणा 11 के साथ करिए, कितना आ गया 110, 110 से 112 बड़ा है, तो इशारा किसकी साइड करेगा बच्चों, बड़ी संख्या के साइड, इशारा किसके साथ करेगा, बड़ी संख्या के साथ। नेक्स्ट देखो बच्चों, जैसे हमारा क्या था, दो का पेयर बना लिया है ना, दो का पेयर बना लिया, और यहाँ पे इकाई का अंक 4 आ गया, इकाई का अंक क्या आ गया बच्चों, 4, 4 आने का रीजन क्या बता दिया, तो 2 होगा या फिर आपका 8 होगा, या तो 2 होगा या फिर आपका 8 होगा, यहाँ पे लिख लें, या तो 2 होगा या फिर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 11 का 121, 12 का 144, 144 तो बड़ा हो गया, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, इनके आगे 11 लग जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों में से एक डिसाइड करने का रीजन क्या बताया था भाई, जो आपका आगे संख्या आ जाए उस संख्या की उस तक अगले अंक के साथ गुणा करो, 11 गुणा 12 के साथ करोगे बच्चों कितना आ गया 132, कितना आ गया 132, 132 तो है 139 बड़ा है, तो इशारा किसके साथ करेगा, बड़ी संख्या के साथ, इशारा किसके साथ करेगा बच्चों। हाँ भाई जान दो बच्चों, नेक्स्ट था आपका, अभी तक करा था अपन पांच डिजिट की संख्याओं का उसके रूट किस तरीके से करा, अब सीखेंगे 6 अंकों का, 8 अंकों का, या 12 अंकों का, बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल हमने किस तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ से देखो भैया, आपने पता है वर्ग में संख्याएं डबल हो जाती हैं। अब जैसे मान के चलो अपन है दो अंकों की संख्या ले ली, मान के चलो बच्चों मैंने जैसे 50 का वर्ग कर दिया, 50 का वर्ग कितना होगा, 2500 हो गया, यानी अंक दो थे तो कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए है ना। जहाँ पे अंक सम संख्या में है उनका वर्गमूल उनसे आधे अंकों में आएगा, 6 में है ना, 6 संख्या, 6 अंकों की संख्या देखो, उनका वर्गमूल 3 अंक का में आएगा। नेक्स्ट देखो, जैसे मान लो यहाँ पे अपन है 8 अंकों की संख्या ले ली, इनका वर्गमूल कितना में आएगा बच्चों, 4 अंक में होगा। अगर आपने 12 अंकों की संख्या ले ली तो उसका वर्गमूल कितना का होगा, 6 अंकों में होगा, ठीक है। उन सबको थोड़ा सा ध्यान से देखना, जैसे मान के चलो यहाँ पे देखो बच्चों कितने अंक हैं अपने, 6 अंक हैं, तो इसको दो बराबर भागों में बांट लो, आधे अपन लेफ्ट में छोड़ दिए, आधे अपन है राइट में, आधे अपन लेफ्ट में छोड़ दिए बच्चों, आधे अपन राइट में छोड़ दिए। अब यहाँ पे क्या करोगे, इकाई अंक देखो, यहाँ पे इकाई अंक कितना होगा, यहाँ पे इनका पूरा का वर्गमूल निकाल लो। यहाँ पे काम क्या था बच्चों आपका, पहला काम तो यही था कि इनको आधे आधे दो भागों में तोड़ दो, उसके बाद इसका वर्गमूल निकाल लो, वर्गमूल कितना आ गया आपका 2, ये 2 यहाँ पे जोड़ देना, 2 जोड़ोगे कितना आ गया 998, यही आप इसका वर्गमूल है। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ में आया टेंशन मत लेना, थोड़ा सा ध्यान दो, दो भागों में तोड़ दिया, आधे लेफ्ट में तोड़ दिए आधे राइट में, अब इनका वर्गमूल निकाल दो, कितना आ गया बच्चों 11, ये 11 यहाँ पे जोड़ दो, इनका वर्गमूल निकाल के पूरा जोड़ दो, जोड़ोगे कितना आ गया 989, ये इसका वर्गमूल आ गया बच्चों। यहाँ पे देखो क्या बताया था, आधे लेफ्ट में छोड़ दो आधे राइट में,
इनका वर्गमूल निकाल लो। वर्गमूल कितना आ गया बच्चों 17। यहाँ क्या करें आपने 17 जोड़ दिया, 6 और 7 13, 7 1 8 इसका था बच्चों 983 का वर्ग था ये। अब देखो आपका ये तो था 6 अंकों का, 8 अंकों का भी देख लो, इसमें आपने क्या करना बच्चों 3 अंकों तक तो सीधा डायरेक्ट वर्गमूल निकालना है, 4 अंकों का देखो कैसे करना, 4 4 के पेयर में 4 लेफ्ट में ले लिया अपन है, 4 राइट में, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे अपन क्या करना है 2 अंकों का वर्गमूल निकाल लो, यहाँ कितना आ गया 2 2 यहाँ पे जोड़ दिया, कितना बन गया 98, कितना बन गया 98, ये 98 यहाँ पे जोड़ देना बच्चों, ये हो गया 8 4 12 9 1 10 इसका था बच्चों ये 99 02 का, इसका था बच्चों 99 02 का। 8 अंकों में क्या करना है आपने ध्यान रखना, 8 अंकों में क्या करोगे 4 तो आपने लेफ्ट में छोड़ दिए और 4 आपने राइट में छोड़ दिए, 4 लेफ्ट में 4 आपने राइट में, यहाँ पे देखो बच्चों करना क्या है, इसका वर्गमूल निकाल लो, इसका वर्गमूल कितना हो गया 4 4 यहाँ पे जोड़ दिया, कितना हो गया 96, ये 96 यहाँ पे जोड़ दो भाई, कितना हो गया ये तो हो जाएगा 8 6 14 हंसल 1 ये 0 9 9 किसका था बच्चों ये 99 04 का, किसका था 99 04 का। और बढ़ा के ले लो, अब जैसे बच्चों ने यहाँ पे 12 अंक ले लिए, यहाँ पे कितने लिए मैंने 12 अंक लिए राइट, 12 अंक लिए, सेम जो प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई किया था वही यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखो भाई ये क्या हो गया बच्चों, इसका वर्गमूल निकालो दो दो अपेयर बना के, इसका आ गया 8 8 यहाँ पे जोड़ दो, कितना आ गया 92 92 को यहाँ पे ऐड कर देवाओगे, ये कितना हो गया 8 0 9 9 9 9 देखो नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पे देखो 2 डिजिट उठाने हैं, ध्यान देना है ये हमारे क्या होने चाहिए पूर्ण वर्ग, ध्यान देना बच्चों ये हमारे क्या होना चाहिए पूर्ण वर्ग, 2 44 लास्ट में किसमें आवे है 12 का वर्ग में, 44 लास्ट में किसमें आवेगा बच्चों 12 का वर्ग में आओगा, तो ये किसका वर्ग है बच्चों 12 का, किसका था 12 का राइट, और यहाँ पे जो 12 का वर्ग 144 एक आंसर इसमें जुड़ रही है, पहले तो यहाँ पे जो संख्या थी ना ये यहाँ पे जोड़ दो, जोड़ो बच्चों जोड़ने के बाद कितना हो गया 89, लेकिन इसकी जो आंसर थी ना जो यहाँ पे ट्रांसफर हुई थी वो घटा लेना जान रही, घटाने के बाद कितने बच गए 88, यहाँ पे 88 और ऐड कर दो, ये हो गया 8 4 12 का दो आंसर आ गई, 10 11 एक आंसर आगे ट्रांसफर हो जाएगा अभी, ठीक है ये हो गया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।